गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड मेकिंग प्रॉपर नोट्स ऑफ द वीडियोस। नाउ लेट अस कंटिन्यू लेसन टू सॉल्यूशन अगेन। दिस इज पार्ट 7। लास्ट टाइम वी हैड सीन दैट पी टोटल इज इक्वल टू P10 और प्लस P20 माइनस P10 इंटू X2, वेयर वी नो दैट P10 या P10 भी हम इसे बोल सकते हैं, P10 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर। दो कॉम्पोनेंट्स हैं, कॉम्पोनेंट 1 एंड कॉम्पोनेंट 2। वाटर कॉम्पोनेंट 1 एंड 2, दे आर टू आर मेकिंग द सॉल्यूशन, है ना, बाइनरी सॉल्यूशन, वेयर P20 रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट 2 एट द सेम टेम्परेचर। X2 क्या था? मोल फ्रैक्शन किसका? कंपोनेंट 2 का। अब एक ग्राफ अपनी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, इसको ध्यान से समझो। ये प्लॉट को द ग्राफ प्लॉट ऑफ ग्राफ ऑब्लिक प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हियर व्हाट वी सी चिल्ड्रन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिखा हुआ है एंड एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है। What we see children, mole fraction of component 1 is 1, yani yahan highest hai. Phir dheere dheere mole fraction of component 1 decrease hota 0 ho raha hai. Can you see children? And mole fraction of component 2, jo shuru mein 0 tha, now it is in increasing order and finally mole fraction of component 2 has become 1. Correct? So what we see, this is the graph which is showing the mole fraction, it is P2, correct? Here this is P2. और जो ये इसका mole, इसका वेपर प्रेशर क्या था, मोल X1 का, फर्स्ट कॉम्पोनेंट का, ये धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। कैन यू सी चिल्ड्रन, पहले ये 1 था मोल फ्रैक्शन और इसका वेपर प्रेशर यहाँ था, अब ये वेपर प्रेशर धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है और फाइनली यहाँ पे मिल गया। सिमिलरली सेकेंड वाले कॉम्पोनेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और यहां तक पहुंच गया। सो पी, दीज टू आर लीनियर एंड दे टू आर मीटिंग एट वन पॉइंट एंड इन दिस केस पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। फिर से समझे, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, फर्स्ट जो कॉम्पोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन यहाँ 1 है, हाइएस्ट है, और ये धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मोल फ्रैक्शन जब यहाँ हाईएस्ट है तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ है, दैट इज P10। ये जब मोल फ्रैक्शन कम होना शुरू हुआ इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन P10 इज ऑल्सो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन कम होगा तो P10 भी जीरो धीरे कम होता जाएगा एंड फाइनली इट विल मीट हियर। सेकेंड कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन इज 0 हियर एंड इट इज नाउ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड सो इज द वेपर प्रेशर इंक्रीजिंग। So P total in this case is given by P1 plus P2. From this plot, children, we can conclude that a plot of P1 or P2 versus the mole fraction X1 and X2 for a solution gives a linear plot. Line 3 or plot of P total versus X2, P total versus X2 is also linear, right? The minimum value of P total is P10 and maximum value of P total is P20, correct? Minimum value of P total is P10 and maximum value is P20. Assuming that component 1 is less volatile than component 2. Volatile, we all know, volatile means which vaporizes easily. So कॉम्पोनेंट 1 इज, दो कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट 1 एंड कॉम्पोनेंट 2, दोनों ने मिलकर एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाया। सो एज्यूमिंग दैट कॉम्पोनेंट 1 इज लेस वोलाटाइल देन कॉम्पोनेंट 2, दैट मीन्स P10 इज स्मॉलर देन P20। वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड कॉम्पोनेंट। सो इफ, ध्यान से देखना, इफ Y1 and Y2 are the mole fraction of
कॉम्पोनेंट वन, कॉम्पोनेंट वन एंड टू रिस्पेक्टिवली, देन कैसे फेज में बेटा, वेपर फेज में, कैसे फेज में, वेपर फेज में, देन यूजिंग डाल्टन्स लॉ, यूजिंग डाल्टन्स लॉ पी वन इज इक्वल टू वाई वन इंटू पी टोटल, वेयर पी वन इज, पी वन इज इक्वल टू वाई वन इंटू पी टोटल एंड पी टू इज इक्वल टू वाई टू इंटू पी टोटल. पी वन क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट वन एंड पी टू क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट टू. वाई वन फर्स्ट वाले का मोल फ्रैक्शन है फर्स्ट कॉम्पोनेंट का, और पी टोटल तो वी नो टोटल टोटल प्रेशर, वाई टू इंटू पी टोटल, करेक्ट. दिस फॉर्मूला वी विल यूज आफ्टरवर्ड्स इन द न्यूमेरिकल सेक्शन. नाउ लेट अस सॉल्व, लेट मी एक्सप्लेन यू एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल 2.5 ऑफ टेक्स्ट बुक. इफ यू हैव द टेक्स्ट बुक यू ओपन प्लीज, यू सी द क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 2.5. वेपर प्रेशर ऑफ सी एच सी एल थ्री दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन दैट इज सी एच टू सी एल टू एट 298 केल्विन टेम्परेचर आर 200 mmHg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली, करेक्ट. सो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ सी एच सी एल थ्री एंड 40 ग्राम ऑफ सी एच टू सी एल टू एट 298 केल्विन. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन वेपर फेज वी हैव टू कैलकुलेट. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. दो इट इज सॉल्व इन द टेक्स्ट बुक, लेट मी एक्सप्लेन हियर सॉल्यूशन. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सी एच टू सी एल टू डाइक्लोरोमीथेन कितना हो जाएगा, सी मतलब 12 इंटू वन प्लस वन इंटू टू प्लस 35.5 into 2. So when you will add this, it will become 85 gram per mole. Similarly, molar mass of chloroform CHCl3. So when you will calculate, it will give you 119.5 gram per mole. Hope everybody can calculate easily. 12 into 1 plus 1 into 1 plus 35.5 into 3. So it will give us 119.5 gram per mole. After this, we will calculate moles of CH2Cl2 is equal to small m upon capital M. So what is small m, CH2Cl2 kitna hai, dhyan se dekho, 40 gram. So 40 divided by 85. So it will give us 40 divided by 85 will give us 40 divided by 85 will give us 0.470, it is given in the book also, mole. Similarly, moles of CHCl3. So what, how much CLCl3 is it? 25.5. So 25.5 divided by molar mass. So 119.5. It will give us 0.213 mole. Dono ke moles nikal liye. So ab mole fraction nikal lenge. So mole fraction kaise nikalte hain? Pehle total moles calculate kar lo. Total moles is equal to 0.47 plus 0.213. So let me add this, 0.47 plus 0.213. 0.213 is equal to 0.683. So is equal to 0.6835. Ye total moles ho gaye. After calculating total moles, we will calculate the mole fraction of both the components. So
मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इज गिवन बाय मोल्स ऑफ CH2Cl2, मोल्स ऑफ CH2Cl2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। सो CH2Cl2 के मोल्स कितने हैं? 0.47 डिवाइडेड बाय 0.6835। व्हेन यू विल डिवाइड इट इज 0.47 डिवाइडेड बाय 0.6835 इज इक्वल टू 0.687, 0.687 6। सो राउंड फिगर में वी कैन ऑल्सो राइट ए 0.687 के बाद 6 है तो 8 बना दो, 0.688 करेक्ट। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, कितने हैं मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म? 0.213, 0.213 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स दैट इज 0.6835। सो लेट मी डिवाइड, 0.213 डिवाइडेड बाय 0.6835, सो 0. इज इक्वल टू, कुछ मिस्टेक किया, 0.213 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म करेक्ट है डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज इक्वल टू जीरो। सो व्हेन यू विल डिवाइड इट विल बिकम 0.3116, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट 0.312। सो मोल फ्रैक्शन वी हैव गॉट हियर ऑल्सो, वी हैव गॉट द मोल फ्रैक्शन 1, मोल फ्रैक्शन 2। सो नाउ वी विल मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट हैज वी हैव फाउंड आउट। Afterwards, we will go for the question of calculate the vapor pressure of solution by mixing this. So, what from this we can calculate P total, वही वाला formula लगाएंगे, P total is equal to P10 या P10 जो भी प्रोनाउंस करो प्लस P20 माइनस P10 इंटू X2। सो इज इक्वल टू वॉट इज P10 गिवन बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 इज 200 एंड वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 इज 415। सो वी विल राइट हियर 200 प्लस 415 माइनस 200 इंटू मोल फ्रैक्शन दैट इज 0.688। वेन यू विल कैलकुलेट दिस विल गिव अस 200 प्लस, इसमें से इसको माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 147.9 इज इक्वल टू 347.9 mmHg। ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, पी टोटल वी हैव कैलकुलेटेड। आफ्टर कैलकुलेटिंग पी टोटल व्हाट वी विल डू चिल्ड्रन, वी विल स्टैब्लिश द, वी विल राइट द रिलेशन दैट इज। Now, second part of the question, we know the relation that P1 is equal to Y1 into P total. Correct? So, what we will do? First, we will calculate PCH2Cl2. PCH2Cl2. PCH2Cl2 ke liye kaun sa formula lagayenge? P10 into X1. So, what is our P10? That is 0.688. दे ही रखा क्वेश्चन में, 0.688 इंटू व्हाट इज अवर X1, लेट अस कैलकुलेट व्हाट PCH2Cl2, 0.688 इंटू 415 mmHg। चलें 415 इसका P10 है, बुक में दे रखा है, X1 हमने अभी फाइंड किया था इसका मोल फ्रैक्शन। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस, दिस विल गिव यू 285.5 mmHg। करेक्ट, फिर से समझ लो, 0.688 इज द मोल फ्रैक्शन एंड P10 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, CH2Cl2 का वो दे रखा है हमें 415 mmHg। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट PCHCl3 इज इक्वल टू अगेन P10 इंटू X2। सो व्हाट इज अवर P10, फिर से देखो बुक में क्या दे रखा है, इट इज गिवन इन 200। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय इसका मोल फ्रैक्शन 0.312,
when you will multiply, it will be 62.4 mmHg. After calculating this, we will calculate, we will use this formula, that is P1 is equal to Y1 into P total. Therefore, Y1 yani YCH2Cl2 will be 285.5 divided by 347.9 is equal to 0.82. ठीक है, ये P total है. Similarly, therefore YCHCl3 is equal to, we will calculate 62.4, ये हमें अभी calculate कर ही रखा है, 62.4 divided by 347.9 तो P total is equal to 0.18. So in this way we have calculated the mole fraction of both the components. This will be our answer. Now let us start new section, that is 2.4.2. Rolle's law as a special case of Henry's law. Henry's law yaad hai beta, last page mein humne padha tha. So according to Rolle's law, P1 is equal to, that is partial pressure of a gas is equal to P10 into X1. So P1 is equal to P10 into X1 and it is given by Rolle's law. That means the vapor pressure, ye dekha dhyan se, the vapor pressure of volatile component in a given solution is given by P1 is equal to X1 into P10, where P1 is partial pressure, X1 is mole fraction and P10 is vapor pressure. Whereas in the solution of a gas in a liquid, ठीक है, gas in a liquid, one of the component is so volatile that it exists as a gas. And according to Henry's law, Henry law क्या था? P is equal to KH into X. Partial pressure of a gas is directly proportional to its mole fraction. So Henry's constant तरह के हमने इसको is equal to किया था, where P is partial pressure of the gas, KH is Henry's constant and X is the mole fraction. तो दोनों law एक जैसे ही दिख रहे हैं. देखो ध्यान से, ये दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं. यहाँ KH है, यहाँ P10 है. Correct? So from both 1 and 2, this is 1 and this is 2. From both 1 and 2, it is seen that partial pressure of a volatile component, kaun sa hai volatile component, gas, is directly proportional to its mole fraction in the solution. Isliye aisa keh sakte hain ki so Rolle's law becomes a special case of Henry's law in which KH is equal to P10. एक में के एच है, एक में P10, दैट मीन्स के एच इज इक्वल टू P10. अभी तक हमने क्या पढ़ा? वी हैव रेड अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स. ओके, दोनों लिक्विड कैसे थे? बाइनरी सॉल्यूशन था और दोनों लिक्विड थे और दोनों ही वोलाटाइल थे, राइट? अब हम ऐसा पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स डिजॉल्व इन लिक्विड. करेक्ट, कैसा है अभी सॉलिड्स डिजॉल्व इन लिक्विड? So vapor pressure of solutions of solid dissolved in liquids, correct? जैसे example अगर तुमको बताऊं तो NaCl अपना common salt, comma glucose, cane sugar, urea, etc. dissolved in water, correct चिन्ह? और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक आयोडीन एंड सल्फर डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड CS2. ठीक है, तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. करेक्ट, वी हैव ऑलरेडी रेड दैट लिक्विड्स एट ए गिवन टेम्परेचर वेपराइज and at equilibrium the pressure exerted by the vapors of liquid over liquid phase is known as vapor pressure. अब ये एक दो सिचुएशन है, ध्यान से देखना. ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है कुछ, करेक्ट? सो प्योर सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड. और इसका वेपर प्रेशर है, ये वेपर बन रहा है इसका,
अब ऐसा ही सेम सिचुएशन लिया, बट वन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस वन मोल ऑफ सॉल्वेंट, दिख रहा है? तो अब इस बार जो प्रेशर होना चाहिए वेपर प्रेशर, वो कम हो रहा है. कैन यू सी, यहाँ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और यहाँ वन मोल सॉल्यूट प्लस वन मोल सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर कम है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जिसका वेपर नहीं बन सकता है, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलाटाइल सॉल्वेंट, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर, और ये जब नॉन वोलाटाइल सॉलिड को डिजोल्व किया, नॉन वोलाटाइल सॉलिड को डिजोल्व किया वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो क्या देखा कि वेपर प्रेशर जो है अभी लेस हो रहा है. ठीक है, रीजन क्या होगा ध्यान से देखना. रीजन क्या है, ये जो सरफेस है, ये जो डार्क वाले सर्कल्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये सॉल्यूट के हैं. ठीक है, यानी सरफेस पे प्योर सॉल्वेंट का नहीं है, सिर्फ इसका भी आ रहा है, सॉल्यूट का भी आ रहा है. सो द रीजन इज इन दिस सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. सो द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड. सिर्फ सॉल्वेंट तो नहीं रह गया ना, अब इसमें सॉल्यूट भी आ गया. तो सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल है, करेक्ट. दिस लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्केपिंग फ्रॉम द सर्फेस, सो द वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड. समझ में आ गया? सो द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट depends on quantity of non-volatile solute, quantity of non-volatile solute present in the solution. कितना non-volatile solute हमने उसमें dissolve किया है, non-volatile solute present in solution. For example, decrease in vapor pressure of water by adding 1 mole of sucrose to 1 kg of water is nearly similar to that produced by 1 mole of urea to same quantity of water. Dono ka same hi aayega. Decrease in vapor pressure same hi hoga. So it depends upon the quantity of volatile solute, non-volatile solute present in the solution. So Rawls law can be stated as RAOULTS. Rawls law can be stated as for any solution the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction, correct? That is, P1 is directly proportional to X1. Therefore, P1 is equal to X1 into P1 naught or P1 zero. Correct? The proportionality constant is proportional. Iske liye humne ek proportionality constant lagaya, that is P1 zero. So, proportionality constant is also known as vapor pressure of pure solvent. P1 zero is equal to vapor pressure of pure solvent. ठीक है, now let us see, graph is plotted here. It is x axis mole fraction of the solvent and y axis पे vapor pressure of the solvent. You can see vapor pressure of pure solvent, it is a linear graph. ठीक, so for today it is enough. Now tomorrow
I am also sending the PDF, children, so that if any portion is missed in the video, yeah, you have not understood, you can go through. Thank you.